आज मालेगांव मध्य के सम्माननीय आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जो DPDC से नगर उत्थान के तहत निधि आया था उसका रास्ते का उद्घाटन किया है। लगभग 1 करोड़ की राशि का वो रास्ता है। जल्द से जल्द वो रास्ता अभी उद्घाटन करने के बाद चालू हो जाएगा, कल शुरू हो जाएगा। हाँ, और इसके साथ साथ ही यहाँ की जो आवाम है उन्होंने मुझे विनंती की कि भाई यहाँ कुछ 2-4 रोड और है जो चलने लायक नहीं है नागरिकों के लिए। हाँ, जैतिनपुरा ये है, पवारवाड़ी एजाज कलो स्टेडियम के बाजू में। तो अब अभी इसका दौरा मैंने किया है, मैं इंजीनियर लोगों से बोल दूंगा कि यहाँ के जो रास्ते है वो ठीक किए जाए, जो ढापे टूटे हैं वो भी अच्छे हो जाए ताकि लोगों को यहाँ मस्जिद में आने के लिए सुविधा हो जाए, बच्चों को स्कूल में जाने के लिए अच्छे रास्ते रहे। तो इसलिए आज ये दौरा किया है और जल्द से जल्द इसका एस्टीमेट बना के बजट देके इसके काम चालू हो जाएंगे। सर अभी बारिश, सर अभी बारिश में बहुत सारे इलाकों में ऐसा हुआ कि घरों में पानी घुस गया, तो वहाँ के लिए क्या प्लान है? अभी देखो अच्छे अच्छे सिटी में भी घरों में पानी गया है, मुंबई में भी पानी गया था घरों में। अभी बारिश में थोड़ी असुविधा होती है, निसर्ग के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर भी जहाँ जहाँ रास्ते ऊँचे हुए और घर नीचे है वहाँ घरों में पानी कुछ जगह गया है, कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है नदी के बाजू में वहाँ पानी गया है। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि उन्होंने नदी के बाजू में घर नहीं बनाना चाहिए और जहाँ जहाँ भी घर बने हैं वो रास्ते की थोड़ा ऊपर उनकी प्लिंथ आती है तो घर में पानी नहीं घुसेगा। हालांकि अभी निसर्ग के सामने हम बोले कि भाई कुछ कर नहीं सकते, अभी इंशाल्लाह अभी बारिश तो रुकी है, अपने डैम भी भरे पानी पुरोड़ा के लिए, जब अपनी साल भर की चिंता भी दूर हो गई अभी, लेकिन फिर भी बोल नहीं सकती जैसी भी बारिश आएगी। लेकिन हमारी टीम पूरी कोशिश में रहती है कि भाई लोगों को बारिश से तकलीफ ना हो, जो जो भी लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं वहाँ पानी घुसता है वहाँ उनको वहाँ से हटाना, उनका खाने का इंतज़ाम करना, रहने का इंतज़ाम करना, वो हमारी ओर से कॉरपोरेशन की ओर से हम करते रहते हैं। 11,000 कॉलोनी उनको शिफ्ट किया जाता है लेकिन वो लोग जाते नहीं है, वहाँ बुनियादी सहूलत नहीं है, इस पर आपकी अभी क्या राय है? 11,000 कॉलोनी में 2-3 बार मैं गया था, वो लोगों की मांगे बराबर है क्योंकि वहाँ सुविधा नहीं है इसलिए लोग वहाँ रहते नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हम वहाँ सुविधा दे रहे हैं। अभी एक मालदे से वहाँ रोड जाता है, वो रोड मैंने सैंक्शन कर लिया है, वो रोड एक अच्छा हो जाएगा, वहाँ स्कूल अच्छी चले, हॉस्पिटल अच्छा चले, इसकी भी कोशिश जारी है। और अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बसें हमें दी है, लगभग 26 बसें, वो अपन मालदे से सिटी के लिए और ये 11,000 कॉलोनी से सिटी में आने के लिए अच्छे रह जाएंगे, भी आने जाने का खर्चा लोगों का कम हो जाएगा, फिर इसके तहत लोग वहाँ रहने को राजी हो जाएंगे। सर अंडरग्राउंड जो ड्रेनेज सिस्टम है इसका बहुत ज़्यादा अपोज किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? अपोज क्यों होता है पता नहीं, लेकिन जो टेक्निकल पद्धति से वो एस्टिमेट किया गया वो सही है, फिर भी लोगों के वो समझ में नहीं आ रहा है। हमने इंजीनियर लोगों को जो ठेकेदार है उनको बोला है कि लोगों के आप ठीक से समझाओ कि ये एस्टिमेट कैसा अच्छा है, ये पाइप की साइज कैसी रहती है, कैसा पानी बहता है, तो फिर लोग राजी हो जाएंगे। तो हमारी यही कोशिश है कि लोगों ने भी ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज डलवा के लेना, क्योंकि ये शौच गड्ढे, ये घर का जो टॉयलेट का बाथरूम का पानी है वो उसमें जाएगा और बीमारियां कम हो जाएंगी। नहीं, गवर्नमेंट ने मुझे नियुक्त किया है या कमिश्नर बोल के, और योगायोग से या प्रशासक का भी चार्ज मेरे पास है,
तो पूरे सिटी का दायित्व मेरे पास है कि भी जो भी सुविधा नागरिकों को होनी चाहिए वो मैं पुख्ता करने की कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और कुछ आर्थिक स्थिति भी मालेगांव कॉरपोरेशन की देखनी चाहिए, वो हिसाब से भी काम करने पड़ते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कॉरपोरेशन में नागरिकों के हित में देता हूँ कि भी जितना भी ज़्यादा काम अपने पास से हो जाए उतना मैं कोशिश करता रहता हूँ।